स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस टू टी में। आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में हम बात करेंगे NVMe, SSD और हार्ड ड्राइव के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये मेमोरी का लोचा क्या है। तो मेमोरी को बस ये समझिए कि हम लोग उसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, ठीक है, तो वो रख दिया मेमोरी में, लेकिन आपने लाइन बंद किया, मतलब आपने प्लग निकाल दिया या UPS बंद कर दिया या उसको डिस्कनेक्ट किया बिजली से, वो बंद हो जाता है, उसे हम लोग वॉलेटाइल कहते हैं। नॉन वॉलेटाइल का यही मतलब होता है कि अगर आप प्लग हटा दिए उसमें जो डेटा है वो रहेगा, मतलब बिजली के आने या जाने से उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वही मतलब इसी चीज़ का होल लोचा है। फिर ये आता है कि ठीक है आपने तो ऑपरेटिंग सिस्टम रख दिया, लेकिन अगर आपको कोई कंप्यूटर दे दे जिसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसमें करोगे क्या? आप उसमें अपना पिक्चर रखना चाहोगे, आप अपने अपना फाइल रखना चाहोगे, अपना इसमें जो भी टैली उली यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप कुछ तो रखोगे। उस काम को रखने के लिए आपको डेटा बैंक चाहिए। तो ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं। मतलब मेमोरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए दिया गया, मतलब जो हार्ड ड्राइव आपको दी जाती है वो आपके लिए नहीं है पूरी तरह से, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा हिस्सा खाता है। उसके बाद मतलब आप जो डेटा रखेंगे वो भी उसी जगह पे जाता है, दोनों एक ही जगह पे जा रहे हैं। फिर कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो सर्वर हो, उसको इस मेमोरी का एक्सेस इंटरनली होना चाहिए। मतलब बाहर से इसमें आप ले जा सकते हैं लेकिन उससे स्लो हो जाएगा, इसलिए जनरली इसका इंटरनल एक्सेस दिया जाता है। और इंटरनल एक्सेस का यहाँ मतलब ये है कि प्रोसेसर से, जो भी उसमें CPU लगा हुआ, उससे बात करने के लिए इसके लिए अलग से रास्ता बनाया जाता है, मतलब समझिए इसको प्रायोरिटी दी जाती है। और इसके बहुत सारे टाइप हैं, जैसे कि ये तो आपको पता ही है 3.5 इंच का अपना हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये 2.5 इंच का SSD है, ये M.2 NVMe SSD है, ये PCI Express SSD है। तो आइए जानते हैं आगे। तो कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको बैलेंस चाहिए ये सब के बीच में। ये बैलेंस का मतलब आप ये समझिए कि चार चीज़ है जिसको आपको हिसाब लगाना है। पहला कॉस्ट, कॉस्ट जो है कि आपके पास कितना पैसा है, 10,000 रुपये है कि 1,00,000 रुपये है, सबसे पहला तो वो हो गया। दूसरा कॉस्ट में ये आता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट पर गीगाबाइट। तो जैसे कि आप सोचिएगा कि अगर हम 1 TB का हार्ड ड्राइव ले लेते हैं तो वो सस्ता पड़ रहा है, हाँ और नहीं भी। अगर आपके पास सिर्फ 4,000 रुपया है तो ठीक है, लेकिन अगर आप 4,000 रुपया दे के 1 TB खरीद रहे हैं तो आप पर गीगाबाइट ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। वहीं अगर आप 6,000 दे के 2 TB का हार्ड ड्राइव खरीदते हैं तो आपके पास ये हो रहा है कि आप 2,000 ही एक्स्ट्रा दिए लेकिन कैपेसिटी डबल मिल गया, तो पर गीगाबाइट आपका दाम घट गया। इसलिए हम लोग कॉस्ट को दो तरीके से जानते हैं और संभालते हैं। पहला तो ये होगा कि एक्चुअली कितना लग रहा है कैपिटल कॉस्ट, दूसरा ये हो रहा है कि उस पैसे में आपको कितना मिल रहा है। तो जैसे इसीलिए मैं लोगों को 3 TB का हार्ड डिस्क खरीदना नहीं कहता, क्योंकि तब आप वो उल्टा चले जा रहे हैं, आप 2 TB का खरीद लीजिए, आपके पास ज़्यादा जगह आ जाएगा। तो पहला वो हुआ कॉस्ट। फिर आता है साइज़, कितना बड़ा है वो, मतलब फिजिकल साइज़ की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उसकी कैपेसिटी क्या है, मतलब उसमें 64 GB का है कि 1 TB का है कि 4 TB का है, क्या कैपेसिटी है, कितना साइज़ है उसका, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करें। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ टैली में काम करना है, आपको ज़्यादा कुछ पिक्चर उक्चर रखना नहीं है उसमें, आप सिर्फ मतलब अपने ऑफिस के लिए रखना चाहते हैं, तो SSD आपके लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि दाम उसका भी 4 से 6 हज़ार पड़ेगा, आपका कैपेसिटी कम हो जाएगा लेकिन स्पीड ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए आपको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने दाम का हिसाब लगा लिया, आपने साइज़ का हिसाब लगा लिया कितना बड़ा चाहिए। फिर हम लोग आते हैं स्पीड में। अब स्पीड जो है कि वो डिसाइड करता है कि कितना आप उसमें रीड और राइट कर रहे हैं, मतलब कितनी स्पीड से आप उसमें डेटा डाल पा रहे हैं और निकाल पा रहे हैं। जैसे आपका इंटरनेट का स्पीड होता है, कंप्यूटर में भी वैसा ही स्पीड होता है। हाँ, कंप्यूटर का स्पीड इंटरनेट से बहुत तेज़ होता है, इसलिए हम लोग को पता नहीं चलता कि कंप्यूटर उसमें लिख रहा है निकाल रहा है डेटा, इसीलिए आप राइट क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर ऐसे दिखाता नहीं है कि हम हार्ड ड्राइव से डेटा निकाल रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिखाना है। और इसके लिए, इस काम को और आसान करने के लिए हम लोग रैम इस्तेमाल करते हैं, तो डेटा हार्ड ड्राइव से निकल के रैम में चली जाती है, तो रैम सबको रफ रखा रहता है, लेकिन जैसे आप बिजली बंद करेंगे रैम खत्म हो जाएगा, इसलिए हार्ड ड्राइव चाहिए होता है। तो स्पीड आप देखोगे कि जितना अच्छा स्पीड आप देखेंगे उतना जल्दी कंप्यूटर स्टार्ट होगा। तो आप बोलोगे मैं तो कंप्यूटर सिंपली ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, दिन में आप सुबह एक बार बस कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आप स्पीड पे पैसा मत खर्च कीजिए, आपको शायद उसका मतलब उससे कोई बेनिफिट ना हो, आप उस पैसे को आप साइज़ में डाल दीजिए, वो शायद ज़्यादा फायदेमंद हो। या मान लीजिए आप कुछ ऐसा है कि जिनका आप सॉफ्टवेयर जो लॉन्च करते हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे फोटोशॉप हुआ या अडोबी प्रीमियम, मतलब अडोबी का कोई भी सॉफ्टवेयर हुआ, 3DS मैक्स हुआ, माया हुआ, ये सब भारी भरकम सॉफ्टवेयर जो हैं स्टार्ट होने में बहुत टाइम लेते हैं, तो आप SSD में डाल दीजिएगा पैसा तो ये सब बहुत जल्दी स्टार्ट होंगे, और दिन में आप कम से कम 6-7 बार तो ये सब सॉफ्टवेयर स्टार्ट कीजिएगा ही।
क्रैश होते हैं सॉफ्टवेयर, आपको अलग अलग फाइल खोलना पड़ता है, तो ये सब पे स्पीड बढ़ाने के लिए स्पीड देखा जाता है। ठीक है, स्पीड तो आपने देख लिया स्पीड, और एक बात ध्यान रखें कि स्पीड हमेशा इंटरफेस पे लिमिट होती है, मतलब एक्चुअल जो स्पीड है वो रोड के स्पीड पे लिमिट है, मतलब आप कई सौ गाड़ी दो लेन रोड से नहीं डाल सकते। तो SSD खास करके इस चीज़ में फंस गया है, क्योंकि SSD जो है वो सेटा 3 यूज़ करता है, जो बहुत पुराना इंटरफेस है, मतलब ये 20-30 साल से चल रहा है। तो सेटा 1 आया तो वो 150 Mbps का था, फिर सेटा 2 आया जो 300 Mbps का था, फिर सेटा 3 आया जो अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो अराउंड 600 Mbps का, मतलब डबल डबल करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी SSD ऐसे आते हैं जो उससे ज़्यादा स्पीड दे सकते हैं, लेकिन लिमिट हो गया क्योंकि वो रास्ता ही नहीं है उतना बड़ा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन इसका उल्टा मतलब भी नहीं समझिए कि आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है वो अगर मतलब सेटा 3 से जोड़ देंगे तो बहुत तेज़ चलने लगेगा, वो सेटा 3 ही चला रहा है लेकिन सिर्फ आपको वो 200-300 Mbps दे सकता है, क्योंकि वो फिजिकली उतना तेज़ ही चल सकता है, उससे ज़्यादा तेज़ नहीं जा सकता। और 200 Mbps तो बहुत इंटरप्राइज ग्रेड में आता है, जनरली तो आप 100 मान के ही चलिए। तो ये हुआ स्पीड। फिर आते हैं परफॉर्मेंस पे, तो आप लोगों को थोड़ा ये और लगेगा कि स्पीड अलग क्यों है परफॉर्मेंस अलग क्यों है। रीज़न ये है कि स्पीड का ये मतलब होता है कि उसका लेन जो है कितना बड़ा है, अब उस लेन में कितने रास्ते अलग अलग हैं ये आपको देखने के लिए परफॉर्मेंस चाहिए। परफॉर्मेंस का मतलब आप ऐसे समझिए, अगर एक बड़ा फाइल है जैसे 10 GB का एक बड़ा फाइल आप डालें, आराम से आपका हार्ड ड्राइव ले लेगा, आराम से, उसको कोई टेंशन नहीं कटे। लेकिन आप 10 फाइल एक एक GB का डालेंगे तो हार्ड ड्राइव परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसको अलग अलग एड्रेस पे डालना है, नहीं तो मतलब फाइल एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ा सकते, तो अलग अलग एड्रेस बनाए। तो आप उसको परफॉर्मेंस चाहिए, स्पीड नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए इस जगह को सॉल्व करने। और जनरली जितने छोटे फाइल होंगे उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए आप कई हज़ार छोटे छोटे फाइल भेज रहे हैं, मतलब खूब सारा आपका एक्सेल डॉक्यूमेंट है लेकिन खूब सारा है, मतलब 50-60 हज़ार है, मतलब आपके ये कई सालों से डेटा जमा कर रहे हैं, इसको इधर से उधर डाल रहे हैं, या टैली का लाखों लाख आपके पास आ रहा है डेटा। तो ये सबको हैंडल करने के लिए आपको स्पीड नहीं चाहिए, ये सबको हैंडल करने के लिए आपको परफॉर्मेंस चाहिए। परफॉर्मेंस अलग तरीके से नापा जाता है, तो आपको MBPS तो मिल जाएगा, तो परफॉर्मेंस नापने के लिए कई बार लोग ये शब्द इस्तेमाल करें IOPS, ये सब कैसा है। तो परफॉर्मेंस के बारे में आप खुद से देखिए कि आपको ज़रूरत है कि नहीं, और स्पीड और परफॉर्मेंस अलग है। तो अब हम लोग आते हैं सबसे पुराना दादाजी के बारे में, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। बेसिकली जैसे कि मैंने CD पे जो वीडियो बनाया है यहाँ आप देख सकते हैं, उसमें जैसे मैंने कहा एक डिस्क में एक गड्ढा और खाई बना बना के इसे 0-1 स्टोर किया जाता है, इसमें भी वही है, वो जो डिस्क आप देख रहे हैं उसमें भी वही है कि गड्ढा है तो 1 है, खाई है तो 0 है। तो लेज़र का इस्तेमाल करके CD में वो खरोंचा जाता है, एचिंग की जाती है। इसमें जो मैग्नेटिक डिस्क है, जो प्लेट है, वो जो घूम रहा वाला प्लेट है, वो उसमें मैग्नेट्स लगे हुए हैं, उतने छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं, तो वो मैग्नेट को ऑन ऑफ ये करता है, मतलब उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो उसका पोलैरिटी जो है चेंज किया जाता है, उससे इसमें डेटा रखा जाता है। ये मतलब डिस्क का दोनों का प्रिंसिपल सेम है, हाँ वो लेज़र का इस्तेमाल कर रहा है और मेटल पे एच कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करके मैग्नेट्स को डायरेक्शन चेंज किया जा रहा है। तो ये है, वो घूम रहा है, इसीलिए इसका आवाज़ आती है, जब भी आप हार्ड ड्राइव स्टार्ट करते होंगे आवाज़ आप देखेंगे, थोड़ा सा आवाज़ आता है, कि वो आवाज़ इसी के चलते आता है कि ये फिजिकली घूम रहा है और ये हाथ उसमें ऐसे से आगे पीछे कर रहा है। तो अगर आप कभी सुनने लगेंगे हार्ड में किट 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 आवाज़ आ रहा है, जनरली ये एक्चुएटर भिड़ जा रहा है कहीं से, यानी मतलब उसको आप बंद कीजिए, सीधे आप उसको किसी प्रोफेशनल डेटा रिकवरी के पास भेज दीजिए, या तो उसको हटा दीजिए कंप्यूटर से, क्योंकि अगर वो स्लो हुआ तो बाकी सबको ले जाएगा। तो ये बहुत सस्ता है, मतलब 4,000 से 6,000 में आ जाता है। फिर ये बड़ा भी है, मतलब 1 TB और 2 TB बड़ी कैपेसिटी है, तो सब चीज़ तो बढ़िया होना चाहिए, नहीं इसका प्रॉब्लम है ये बहुत स्लो है। मतलब बताइए, ये चूँकि रास्ता तो इसके पास सेटा 3 का है, लेकिन ये 600 Mbps पे नहीं चल सकता, इसका स्पीड नहीं है, तो ये बहुत स्लो है। स्लो तो छोड़िए, उसके बाद ये वीक भी है, मतलब इसका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। मतलब आप खूब सारा एप्लीकेशन खोल दीजिएगा जो हार्ड ड्राइव से कुछ डेटा निकालने का कोशिश कर रहा है, आपका हार्ड ड्राइव एकदम स्लो हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि वो सब सॉफ्टवेयर खुलने में टाइम लगेगा, आपका विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो हो जाएगा, मतलब माउस इधर उधर कीजिएगा आपको दिखेगा स्लो हो गया, क्योंकि हार्ड ड्राइव जो है फुल हो गया है। फुल का मतलब उस पर क्यू डेप्थ कहा जाता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जिसका मतलब होता है कि कितना रिक्वेस्ट भेजा गया है। तो मान लीजिए रिक्वेस्ट जनरली 0 पे रहना चाहिए, मतलब रिक्वेस्ट भेजा उसने सॉल्व कर दिया, उसको पाइल अप नहीं होने दिया, लेकिन रिक्वेस्ट भेजा वो सॉल्व कर ही रहा है, दूसरा रिक्वेस्ट आ गया, फिर उसको भी सॉल्व कर ही रहा है उससे आगे, तो क्यू डेप्थ बढ़ते जाता है। तो 3-4 होने के बाद आपको पता चल जाएगा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो होने लगा है। तो इसलिए हार्ड ड्राइव जो है ज़्यादा क्यू डेप्थ हैंडल नहीं कर पाता, 3 से 6, मतलब ऐसा नहीं है कि 10 कर दीजिएगा तो मर जाएगा, लेकिन वो बहुत स्लो हो जाएगा, दिक्कत होने लगेगा आपको इस्तेमाल करने में।
तो ये स्लो भी है और वीक भी है, और इसका दो फॉर्मेट आता है। सबसे पहला फॉर्मेट है 3.5 इंच, जो आपके सर्वर में लगाया जाता है, जो आपके नेटवर्क अटैच स्टोरेज में लगाया जाता है, जो आपके बेसिकली आधा इंटरनेट इसी पे रखा हुआ है, और आप मतलब ये आराम से मार्केट में खरीद सकते हैं। फिर आता है 2.5 इंच, ये जनरली डेस्कटॉप में नहीं इस्तेमाल किया जाता, इसे लैपटॉप के लिए ही रखा जाता है, लेकिन आजकल इसका चलन कम हो गया, और आप जो एक्सटर्नल पोर्टेबल हार्ड ड्राइव देखते हैं उसमें जनरली यही लगाया रहता है अंदर में। लेकिन अब ये समझिए कि इसका दिन अब पूरा हो गया है, इसका दिन अब जो है काम खत्म होने लगा, मतलब आने वाले 10 से 20 साल के अंदर आप इसे नहीं देखेंगे। ये कंप्यूटर के स्टार्टिंग टाइम से था, लेकिन अब इसका दिन हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि उसके रिप्लेसमेंट के बारे में, SSD बेसिकली सॉलिड स्टेट डिस्क। नाउ सॉलिड स्टेट में आप ये समझिए जैसे आपके पेनड्राइव में कोई चीज़ हिल डोल नहीं रहा है ना, ये वही सब मेमोरी चिप को लगा के ये बनाते हैं, हार्ड ड्राइव बनाते हैं। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि आपका पेनड्राइव और इसमें अंतर नहीं है। पेनड्राइव में जो चिप लगाया जाता है वो बहुत स्लो होते हैं, परफॉर्मेंस तो होती नहीं है, स्पीड बेयरली होती है। इसमें परफॉर्मेंस स्पीड दोनों को मैनेज किया जाता है, प्लस लाइफ इतनी दी जाती है कि जैसे अगर आप अपना पेनड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएं, कुछ कुछ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आराम से चलेंगे, लेकिन विंडोज़ चलाने लगे आपका पेनड्राइव बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, मतलब एक साल चल जाए तो बड़ी बात है। तो SSD बनाया जाता है कि वो उस तरह के लोड को हैंडल कर पाए। तो इसका फ़ायदा यह है कि ये बहुत तेज़ होता है, मतलब ये एक्चुअली वो जो 600 Mbps का जो आपको रास्ता दिया गया वो इस्तेमाल कर लेता है। मतलब इससे अगर आप 600 MB का फाइल इधर से उधर करेंगे तो वो एक्चुअली 600 Mbps पे चला जाएगा। मतलब आपने ठीक है, आपने किसी रैम से अपना डेटा निकाला या आप दूसरे SSD से डेटा निकाले, ठीक है भैया 600 MB का फाइल इस हार्ड ड्राइव से, मतलब इस SSD से लेके दूसरे SSD में डाल दो, वो 600 Mbps की स्पीड से इधर से उधर चला जाता है। ये बहुत फास्ट है, उतना ही नहीं ये फास्ट के साथ इफ़िशेंट भी है। मतलब आप कितना बिजली खपत हो रहा है आपका ये करने में वो भी कम है। मतलब अगर आपके लैपटॉप में एक हार्ड ड्राइव के जगह पे SSD लगाया जा रहा है, सेम कैपेसिटी का ही मान लीजिए है, मतलब दोनों में आपको आधा टेराबाइट का यानी 500 GB का है दोनों में, आप 500 GB इसमें मिलेगा और ये कम बिजली खाएगा, मतलब आपका लैपटॉप का बैटरी लाइफ बढ़ जाएगा। मतलब अगर आपके कंप्यूटर में ये है तो आपका बिजली खपत थोड़ा कम होगा, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर नहीं है। मतलब एक हार्ड ड्राइव मान लीजिए 3 से 5 वाट खाएगा, ये 1 वाट के अंदर काम कर देगा, और मतलब हाँ परफॉर्मेंस जैसे बढ़ते जाएगा वाट कम रहेगा, लेकिन ये बहुत कम ऊर्जा खाता है, मतलब बिजली का खपत कम होता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये अंधेर महंगा है, मतलब 4-5 हज़ार रुपया देके आपको सिर्फ 32 से 64 GB, अगर खुशकिस्मत रहे तो 100 GB का आपको हार्ड ड्राइव मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आप पैसा देके सॉल्व कर सकते हैं, पैसा देने के बाद भी आप बड़ा नहीं खरीद सकते, मतलब अभी अगर आप खरीदना चाहें 4 TB का SSD आपको मिलेगा नहीं अमेज़ॉन पे। तो ये आप समझिए, ऐसा नहीं कि आप ठीक है बहुत अमीर है कि अरे हमको पैसा का टेंशन नहीं है, मिलेगा ही नहीं, मिलता ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि बनाया नहीं गया, मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया है और इंटरप्राइज में कहीं कहीं पे इस्तेमाल भी होता है, लेकिन मतलब आप ये समझिए कि ये आप पैसा दे के भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते। और इसका दो मेन फॉर्मेट है, जिसमें एक फॉर्मेट है 2.5 इंच, क्योंकि इसको फिजिकली उतना बड़ा होने की ज़रूरत नहीं था तो ये लोग छोटे लैपटॉप वाले SSD के साइज़ पे ही चिपके रह गए और उस साइज़ से ये लोग काम करते, तो आपको इस तरह का SSD मिल जाएगा मार्केट में, ये कुछ कुछ लैपटॉप में भी लगता है। और ये M.2 ये नेक्स्ट जनरेशन था, इसको बनाया गया था कि ये SSD, चूँकि लोगों को पहले ही समझ में आ गया कि SSD को फिज़िकली उतना बड़ा होने का ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए स्पेसिफिकली एक आर्किटेक्चर बनाया गया जिसे M.2 कहते हैं, ये मतलब ऐसा स्टिक जैसा होता है। तो आप ये सब तो आप देख के समझेंगे, लेकिन ये मदरबोर्ड में डायरेक्ट लगता है। तो दो फॉर्मेट मिलेंगे आपको, SSD मिलेगा 2.5 इंच और ये। तो आइए हम लोग बात करते हैं NVMe के बारे में। तो NVMe ये समझिए कि इंडस्ट्रियल लेवल का है, ये काफ़ी उन्नत टेक्नोलॉजी से बनाया गया, जो जो लिमिटेशन था SSD में वो सबको हटा के, क्योंकि SSD का चिप जो था वो बहुत तेज जा सकता था लेकिन सेटा 3 के चलते वो लिमिटेड था, तो इन्होंने बोला कि ठीक है वो लिमिटेशन हटा देते हैं। और सेटा जो है वो प्रोसेसर से सीधे बात नहीं कर सकता, उसके बीच में एक चिप लगाया हुआ है, मतलब बीच में कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस है। तो इन्होंने PCI एक्सप्रेस, जो कि प्रोसेसर से सीधे आता जाता है, उसी को लिया, जो ग्राफिक्स कार्ड के लिए जनरली इस्तेमाल किया जाता है उसको लिया, उसको सीधे मेमोरी के लिए जोड़ दिया। तो फ़ायदा ये है कि स्पीड के मामले में तो इनका टेंशन खत्म, 600 Mbps से चल के ये लोग सीधे कई गीगाबाइट पर सेकंड तक चले गए, मतलब आराम से ये लोग 8 से 10 गीगाबाइट पर सेकंड तक आराम से हैंडल कर सकते हैं। स्पीड के मामले में इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ठीक है, और परफॉर्मेंस के मामले में भी इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, क्योंकि प्रोसेसर सीधे आगे बात कर सकता है तो रिक्वेस्ट का टाइम में डिले नहीं होता। तो अगर आप NVMe खरीदते हैं तो वो फास्ट के मामले में उससे तेज़ तो आता नहीं है,
उसके बाद ये होता है कि उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। तो स्पीड और परफॉर्मेंस के मामले में इससे तो बात ही नहीं करना, लेकिन इसका कीमत है, ये इतना महंगा है कि SSD इसके सामने सस्ता लगने लगता है। दूसरा, ये बहुत स्मॉल होता है, मतलब अगर आज आप ख़रीदना भी चाहें तो 2-3 TB का खरीद ही नहीं सकते। मतलब आता है इंटरप्राइज़ के लिए, आता है, आम आदमी के लिए मिलता नहीं, और इंटरप्राइज़ के लिए आपको ख़रीदने के लिए कम से कम 500-600 पीस ऑर्डर देना पड़ेगा, या कुछ कुछ महंगे महंगे वाले तो मतलब 10,000 पीस से पहले वो स्टार्ट भी नहीं करेंगे बनाना। तो ये समझिए, इसका दाम के मामले में आप, लेकिन इसको खरीद सकते हैं, छोटा साइज़ आप खरीद सकते हैं, मतलब 100 GB का या 200 GB का आप आराम से अमेज़ॉन में ख़रीद सकते हैं। तो आप इस बात पे ज़रूर ध्यान रखिए कि इसके कई सारे फॉर्मेट में आते हैं, क्योंकि ये PCI Express का इस्तेमाल कर रहा था, आपको सीधा सीधा ग्राफिक्स कार्ड के जैसा भी मिल सकता है, आपको ये M.2 के फॉर्मेट में, लेकिन उसका पिन अलग होता है, ये बात ध्यान रखिए, मतलब आपको देखने में सेम लगेगा लेकिन प्रोटोकॉल अलग अलग होता है, मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो अलग चल रहा है। तो अगर आप सेटा SSD लगा दिए इसमें नहीं चलेगा, ये अगर आप ये NVMe वाला चाहते हैं तो आप देखिए कि आपके मदरबोर्ड में NVMe वाला पोर्ट है कि नहीं, अगर है तभी लगाइए, नहीं तो नहीं लगाइए। फिर ये NVMe के लिए बनाया गया है जो कि इंटरप्राइज इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब कई सारे फॉर्मेट पर आते हैं, ये सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी, आने वाले टाइम में SSD को ये हटाएगा। SSD अभी हटने लगा है, खास करके लैपटॉप सब में, लेकिन अभी कुछ वक्त लगेगा और एंड में यही आने वाले टाइम का सेटा जैसा हो जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन NVMe SSD वर्सेस हार्ड ड्राइव के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट कीजिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप फ्री हैं तो घंटी भी बजा दीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।